ध्रुवीकरण क्या है, अब आप लोग अपना लिखिए, मेरे को नहीं देखिए, आपको नहीं पढ़ा रही, ठीक है ना, आप लोग अपना टेस्ट दीजिए। इनोलीकरण क्या कहलाता है, देखो इनोलीकरण जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उनके लिए किया जाता है, इनोलीकरण की प्रक्रिया, एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उसको अपन इनोलीकरण कहते हैं। देखिए अल्फा की स्थिति में विद्यमान कार्बन, जैसे यहाँ पे लगाया मैंने अल्फा, अल्फा की स्थिति में विद्यमान कार्बन जो होता है प्रमुख हाइड्रोजन में संलग्न रहता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ संलग्न रहता है, ठीक है, यह अम्लीय गुण दर्शाता है, यह कार्बोनिल यौगिकों का महत्वपूर्ण अभिलक्षण कहलाता है। इनोलीकरण क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, जो अल्फा कार्बन होते हैं उनमें होता है, और अल्फा कार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समीपस्थ होते हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता के कारण ही एल्डिहाइड और कीटोन में समावयवी चलावयवता जो होती है, तो कौन सी समावयवी चलावयवता दिखाई देती है, किसके कारण, अम्लीय गुण के कारण एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये दो रूपों में होती, कीटो और इनोल, मतलब एक कीटो रूप होता है और एक इनोल रूप होता है, समान रूप जो होता है इसको कहते हैं कीटो रूप, समान रूप जो होता है इसको कहते हैं कीटो रूप, और जो इसके असमान जो होता है उसको इनोल रूप कहते हैं। दो रूपों में ये, दो स्ट्रक्चर में ये दिखाई देती है, ओके स्टूडेंट। इसके बाद आप देखोगे कार्बनिक और यौगिक जो होते हैं कीटो जो समान रूप होता है, देखो आर अल्फा कार्बन है, आर डैश ओ एच डबल बॉन्ड ओ आर, कीटो रूप और इनोल रूप में क्या हो गया, आर आर डैश ओ एच आर, ये चला बहता है जो होती है आकर्षक प्रभाव के कारण, और दूसरी जो होती है निष्कासित होने के कारण होती है ये।
ठीक है, इनोरीकरण की क्रिया होती है। ये हमेशा कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं।